श्रीवासी में अखिलेश के एक फैसले से बदल गया सियासी माहौल। अखिलेश ने बीजेपी प्रत्याशी के साथ कर दिया खेल। अखिलेश ने बदली चाल, राम शिरोमणि वर्मा का काट दिया टिकट। जानिए नया प्रत्याशी कौन। लोकसभा चुनाव 2024 में दो चरण की वोटिंग हो गई, लेकिन अखिलेश अपने उस रणनीति पर अब तक अमल कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के रणनीतिकार कंफ्यूज तो जरूर हो रहे होंगे। श्रीवासी में बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा तो जरूर टेंशन में आ गए होंगे। बताया जा रहा है कि सपा ने अब श्रीवासी से अपने उम्मीदवार राम शिरोमणि वर्मा का टिकट काट दिया है। राम शिरोमणि वर्मा अपना नामांकन भी कर चुके हैं। वो इस सीट से निवर्तमान बसपा सांसद हैं, जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अखिलेश ने मुरादाबाद मेरठ की तरह ऐन वक्त पर यहाँ से अपने प्रत्याशी को बदल दिया। उनकी जगह कांग्रेस के पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह और धीरू को टिकट मिलने की बात कही जा रही है। श्रीवासी में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा। गौरतलब है कि सपा और कांग्रेस इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है धीरेन्द्र प्रताप सिंह लगातार कांग्रेस के बड़े नेता और सपा मुखिया के संपर्क में बने थे। वे साबित करने में लगे रहे कि सांसद राम शिरोमणि से जिले की जनता नाराज है। जीतने के बाद वो 5 साल क्षेत्र में नहीं दिखे। सपा पर कांग्रेस नेताओं का भी दबाव था कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह को टिकट दे दिया जाए। वहीं बीजेपी से सीधा मुकाबला होने से राम शिरोमणि राजनीतिक माहौल नहीं बना पा रहे। वो अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और कई तरह का विरोध झेल रहे हैं। सपा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के शोर पर धीरू समर्थक जश्न में दिखे। वहीं सपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मणिकलाल कश्यप ने कहा कि टिकट बदलने की जानकारी पार्टी कार्यालय से फोन पर आई। आपको बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप और धीरू ने छात्र संघ से राजनीति में प्रवेश किया। 2007 में वो बलरामपुर सदर से बसपा से पहला चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2010 में उन्होंने पत्नी सविता सिंह को विधान परिषद सदस्य का चुनाव लड़ाया और शानदार जीत दर्ज की। 2012 में बलरामपुर से सीट आरक्षित होने पर वो बसपा से उतरौला विधानसभा से चुनाव लड़े और कम वोटों से चुनाव हार गए। लोकसभा 2019 में धीरू श्रीवास्ती लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस समय वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव हैं। विधायक बनने से पहले प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान में उनके भतीजे अवरेल सिंह हरैया सदघरवा ब्लॉक के प्रमुख हैं। सपा के इस फैसले से बसपा से पार्टी में आए सांसद राम शिरोमणि वर्मा को झटका लगा है। वो नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। छठे चरण में मतदान होने से अभी सोमवार को भी नामांकन का मौका है। राम शिरोमणि साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी थे और जीते थे। उन्हें बसपा ने अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद सपा का दामन थाम कर वो टिकट हासिल करने में सफल हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया। We'll be right back.